कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे। आज एक और जहां दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है तो स्थानीय स्तर पर भी लगातार बैठकें चल रही हैं। पंजाब और बिहार में पेच फंसा हुआ है। जेडीयू बिहार में सबसे ज्यादा सीटें चाहती है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने 5 राज्यों में समझौते की शर्त रख दी है। जिस कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, उस कांग्रेस के साथ आखिर क्या फॉर्मूला तैयार होगा? जिन राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, वहीं का विकल्प आम आदमी पार्टी ने खुद को बनाया। ऐसे में आप और कांग्रेस के बीच बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि 5 राज्यों को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों की माने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 6 सीट देने को तैयार है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों में 3 सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। इसके बदले में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 3, गुजरात और गोवा में 1-1 सीट चाहती है। सबसे बड़ी बात, पंजाब और दिल्ली को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी है कि अगर बात होगी तो 5 राज्यों की सीट पर होगी। अभी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सभी राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, उस पर सब पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पेच पंजाब को लेकर फंसा हुआ है, जहां दोनों की पार्टियों के स्थानीय नेता गठबंधन के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। मैं 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। देखो, एक पास से ऐसी कही जाने के कट्टर चोर ने, केजरीवाल चोर है, भगवंत मान चोर है, दूसरे पास कहते अलायंस कर लो, अलायंस मेरी गल नहीं पड़ती। दरअसल पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 2019 में कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है, बाकी 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अकाली दल के पास हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां विधानसभा चुनाव का हवाला दे रही है, जहां 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई थी। अब दूसरा पेच फंसा है बिहार को लेकर, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी के दावे ने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं जेडीयू 17 सीटों पर अड़ी है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी और लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी। 40 सीटों में पिछली बार जेडीयू 16 सीटें जीत गई थी, 6 सीटें एलजीपी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीती थी। जेडीयू का कहना है कि पिछले चुनाव में भले ही उसका गठबंधन बीजेपी के साथ रहा हो, लेकिन उसके 16 सांसद जीते थे। ऐसे में इससे कम सीटों का तो सवाल ही नहीं होता। देखिए, जनता दल यू कोई बात अचानक कहती है। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहां कोई नई बात है। इधर डी राजा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। अब सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला बिहार की सियासत को गर्म कर रहा है। सीट शेयरिंग वी डिड नॉट डिस्कस इन कंक्रीट मैनर, वी जस्ट सेड वी ऑल आर पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन, वी ऑल शुड सिट टुगेदर एंड वर्क आउट व्हाट शुड बी द सीट शेयरिंग एंड वी शुड फाइट टुगेदर। इंडिया गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही है, जो अब तक सीट शेयरिंग का हिट फॉर्मूला निकालने में नाकाम रही है। आज तक ब्यूरो।